हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे जो स्फेरिकल मिरर्स है ना। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कौन कौन से बताओ जल्दी। एक तो होता है कॉनकेव, जो ऐसा होता है, और एक होता है कॉन्वेक्स, जो ऐसा होता है। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग एरिया ये वाला है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग एरिया, इसमें ये वाला बल्जिंग आउट वाला रिफ्लेक्टिंग एरिया। तो ये दो तरीके के जो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनमें इमेज कैसे कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ इमेज क्या होती है। इमेज तो कोई भी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है मान लो ये, और मान लो ये मिरर है, ठीक है, मान लो ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है मान लो इस केस में ना। मैं इमेज समझा रहा हूँ आपको, इमेज इमेज। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी चीज हो सकती है, और इससे अगर रे ऑफ लाइट जा रही है, ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही है, ये रे ऑफ लाइट है ना, इधर जा रही है इससे, और फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे मान लो वापस आ गई। मैं भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से वापस आ रही है, अभी सिर्फ इमेज पे फोकस करो। मान लो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आ गई, फिर एक और कोई जा रही है रे, ये पहली रे है ना, ये वाली पहली रे, ऐसे दूसरी रे जा रही है ऐसे, ठीक है, और मान लो ये रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डायरेक्शन में, ये यहाँ से गई और रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डायरेक्शन में चली गई। तो जहां पर ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे ये वाली स्ट्रेट वाली रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई और ये वाली रिफ्लेक्ट होकर वापस यहीं चली गई, तो जहां पर ये दोनों इमेज मिली, ये जो इमेज मिली, दोनों ये रेज मिली, सॉरी ये रेज, फर्स्ट रेज यहाँ पर, सेकेंड रेज यहाँ से गई, और जहां पर ये मिली इसी को बोलते हैं हम इमेज, समझ लो। जहां पर रेज रिफ्लेक्ट होके मिलती है उसको बोलते हैं हम इमेज, ठीक है। अब इमेज जो होती है दो टाइप की होती है, एक तो रियल इमेज और एक होती है क्या, वर्चुअल इमेज। अब देखो इसका नाम ही क्या है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जैसे रियल इमेज में क्या होता है, नाम ही रियल है, तो रियल इमेज में क्या होता है कि एक्चुअली में जो रेज रिफ्लेक्ट होके मिलती है ना, ये मिल गई, तो जब एक्चुअली में मिलती है तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है, एक्चुअली में ऐसे मिलती नहीं है, लेकिन अपियर होती है कि मिल गई, अपियर होती है कि मिलती है, अभी हम देखेंगे कैसे अपियर होती है। लेकिन बस ये डिफरेंस समझो पहले तुम, कि रियल इमेज में एक्चुअली में रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे इस केस में फर्स्ट आई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, सेकंड वाली रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, तो ये एक्चुअल में मीट हो गई, एक्चुअली में दोनों रेज मीट हो गई, तो ये इमेज बन गई। तो ये वो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअली में रेज रिफ्लेक्ट होके मिल रही है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ना मिल रही है, तो ये रियल इमेज बनाएगा। लेकिन अगर एक्चुअली में ना मिले लेकिन अपियर होके मिल रही है, तो उस तरीके की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज कितने टाइप की होती है समझ गए, तो हम देखेंगे कि भाई इमेज फॉर्मेशन होती कैसे कैसे स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है जी। देख लीजिए, समझ आ गई बात, चलो चलते हैं देखते हैं। अब देखो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, जिसमें मैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर मैंने आपको समझाया था कौन कौन से टर्म होते हैं, जैसे पोल क्या होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारे टर्म, इस तरह के टर्म मैंने आपको सारे सिखाए थे उस वीडियो में, तो वो वीडियो देख लेना। तो अभी देखो आप, मैं आपको समझाऊंगा कि इमेज एक्चुअली में कैसे कैसे बनती है स्फेरिकल मिरर में। तो मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये वाली क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सीधी लाइन, ये सब मैंने टर्म्स में आपको समझाया था, ये जो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और ये पोल से गुजरती है, पोल होता है बीच में, ठीक है, और इसका सेंटर होता है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको टर्म्स रिलेटेड वाली वीडियो में, तो वो देख लेना अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है क्या है ये सब। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला ऐसा पोल होता है, ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ये और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, ये सारे टर्म देख लेना। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इमेज बनने का कुछ पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि अगर मान लो कोई इमेज इस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ध्यान रखना इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्सिस है ना, इसे सीधी ये पॉइंट, ये आपका जो मिरर है इसको बीच में से काट रही है, इसलिए इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इमेज फॉर्म होती है उसके पैटर्न ये है कि मान लो अगर कोई रे, रे ऑफ लाइट, मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से आ रहा, मान लो इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है, ये रे है ना, ये रे आ रही है और ये ऐसे मिरर से टकराई, तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगी तो
तो रिफ्लेक्ट होके पता है कहां से गुजरेगी, ये गुजरेगी फोकस पॉइंट से, ये फोकस है ना, इस पॉइंट से गुजर गई। तो आपको क्या सीखा आप यहां से कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, ये पॉइंट याद रहेगा आपको, ये पहला पॉइंट ये है। क्या है पॉइंट, कि जब भी कोई रे, दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके वो किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। बात समझ में आ गई, ये कॉनकेव मिरर के केस में मैंने समझा दिया, कॉनवेक्स के मिरर के केस में भी देख लो इसको, जैसे ये कॉनवेक्स मिरर है, ये बना है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये बीच में पोल, और आपको पता होना चाहिए कि कॉनवेक्स मिरर के केस में फोकस कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सब समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर होगा फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम चीज होगी कि अगर मान लो कोई रे ऐसे पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ गई रही, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, तो वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये देखो ये वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है, ये फोकस से गुजर गई, ये फोकस में थोड़ा और आगे बना देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे, ये ऐसे फोकस से गुजरेगी पैरेलल होके, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे दिखा रही है, ऐसे ये वर्चुअल इमेज को ऐसे डॉट डॉट से दिखाते हैं, ऐसे डॉट डॉट से, है ना, तो वही तो बना रहा हूँ मैं डॉट डॉट, तो ये फोकस से गुजर गई, तो ये फोकस से गुजर गई, तो यहाँ पर ये ऐसे अपियर होगी ऐसे जाते हुए, एक्चुअल में यहाँ से जा रही है लेकिन ये अपियर ऊपर से हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी इमेज बोलते हैं, इसको जो इमेज बनेगी मिलने के बाद दो रेस को, उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी मैंने दिखा दिया आपको और कॉनकेव मिरर केस में भी दिखा दिया। क्या याद रखा आपने, कि जब भी रे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रे अगर पैरेलल होगी तो कहां से गुजरेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से, जब रे पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी, ये पहला पॉइंट है, ये पैटर्न है, ये हमेशा याद रखना कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। सेकंड पैटर्न क्या है, सेकंड पैटर्न ये कहता है, ये बना दिया मैंने दोबारा से कॉनकेव मिरर और ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया मान लो फोकस और ये बना दिया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बीच में पोल। सेकंड पॉइंट ये है आपका, सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न, ये पैटर्न है कि रे जब जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी, उसका पैटर्न बता रहा हूँ। तो पहला पैटर्न, जब भी रे पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरेगी, अगर मान लो रे पैरेलल की जगह से फोकस से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, ऐसे ये रे ऐसे फोकस पॉइंट से आ रही है गुजरते हुए, तो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्टिव मिरर से टकरा के तो वो पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ से ऐसे आई रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होगी। बात समझ में आई, इसमें जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजर गई, अगर मान लो आई फोकस से होके फोकस पॉइंट से होते हुए आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये कॉनकेव के केस में सिखा दिया, कॉन्वेक्स के केस में भी आप देख लो, कॉन्वेक्स, समझ रहे हो ना, ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा आपको कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, अगर रे फोकस से होते हुए गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, तो एक तरह से फर्स्ट का अपोजिट ही हो रहा है ना। तो इसको कॉन्वेक्स के केस में भी देख लो, ये कॉन्वेक्स बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ फोकस बनाया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। तो मैंने क्या बोला कि अगर फोकस से गुजरेगी रे, तो मान लो फोकस से कैसे गुजरेगी रे, बताओ जल्दी, ऐसे, ये फोकस पॉइंट है ना, ये रहा, लेकिन ऐसे गुजरेगी, पीछे पीछे हमेशा वर्चुअल दिखाते हैं, फोकस से गुजरी तो अब क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल मतलब कैसे दिखाएंगे, ऐसे यहाँ पर पैरेलल हो गई, समझो मेरी बात। तो ये आपने कॉन्वेक्स के केस में देख लिया, कॉन्वेक्स के केस में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा पीछे की तरफ होता है ना फोकस, तो इसलिए पीछे की तरफ दिखाता है, लेकिन अपियर आगे की तरफ ही होगा, ये अपियर आगे की तरफ ही हो रहा है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, अपियर यही होगा, तो इसलिए हम ऐसे पैरेलल यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जहाँ यहाँ तक रही है पीछे तक, ठीक है। तो ये दूसरा पैटर्न हो गया आपका। तीसरा पैटर्न क्या है भाई, इमेज का, सॉरी रेस का तीसरा पैटर्न क्या है, ये दोनों पैटर्न समझ आ गए ना। तीसरा पैटर्न देखो, थर्ड पैटर्न ये कहता है कि कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, कॉनकेव मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच में पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा पैटर्न ये कहता है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है,
ये सीधी लाइन ये आ रही है, ठीक है, ये एरो इधर की तरफ है ना, आ रही है। तो जैसे ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आएगी तो रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में वापस भी चली जाएगी। तो ये तीसरा पैटर्न कि जब जब रे सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। समझ आ गई बात? इसी को कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लो, या नीचे बना देता हूँ, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये पैटर्न याद रखने पड़ेंगे भाई आपको। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, पीछे की तरफ होता है कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने क्या बताया, जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो ये जा रही, मान लो रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ऐसे, और पीछे की तरफ कैसे हम डॉट डॉट में दिखाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में दिखाई दिया मैंने आपको। तो ये तीसरा पैटर्न याद हो गया आपको। तो ये तीन पैटर्न है, वैसे एक चौथा पैटर्न भी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो फिर भी बता ही देता हूँ। चौथा पैटर्न रेस का ऐसे है, फिर से कॉनकेव मिरर के केस में देख लो, ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में पोल, इधर फोकस होता है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो चौथा पैटर्न रेस का ये है, चौथा पैटर्न रे का ये है कि अगर मान लो कोई रे ऐसे ऐसे ऑब्लिकली आ रही है, ये एक वर्ड होता है ऑब्लिक, ऑब्लिकली आ रही है, ऑब्लिकली मतलब बेसिकली 45 डिग्री आप मान सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे टेढ़ी, ऑब्लिकली मतलब ऐसे टेढ़ी, हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी, स्लांट। तो रे ऐसे स्लांट आ रही है, ऐसे टेढ़ी, ऐसे टेढ़ी आ रही है। दूसरे कलर से दिखाता हूँ तुम्हें, ये रे ऐसे इन्फिनिटी से आ रही है, ऐसे स्लांट, और ऐसे टकरा रही है आपके मिरर से। स्लांट जब आती है तो फिर वो वापस ऐसे स्लांट ही चली जाती है, ठीक है। और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जहां पर रे आती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये समझा रहा हूँ मैं आपको कॉनकेव मिरर के केस में, इसको कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लो, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए ना। ये चौथा पैटर्न कि जब ऑब्लिकली ऐसे रे आती है तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, और वो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बराबर होते हैं। उसके बाद आपका इसको मैं इसी चीज को ऑब्लिकली वाले को वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बता रहा हूँ। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, फोकस इसमें पीछे की तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होता है। तो वही क्या बताया मैंने आपको कि अगर रे ऑब्लिकली आ रही है तो ये ऑब्लिकली आ रही है, ऑब्लिकली तो ऑब्लिकली ही ऐसे चली जाएगी, ठीक है जी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चार तरीके के हमने देखा कि रेस कैसे कैसे बिहेव करती है, और ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। तो क्या क्या किया हमने, इसको रिवाइज कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो इमेज बनती है जो स्पेरिकल, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि रेज जब आती है तो कैसे कैसे पैटर्न है उनका, किस पैटर्न में रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ये तो सिर्फ मैंने इस वीडियो में ये बताया तुम्हें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब इमेज बनेगी, मान लो कॉनकेव मिरर में रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट में से रेज आ रही है, वो इन्फिनिटी से आ रही है ना, कभी कभार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, अलग अलग पोजिशन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, तो फिर रेज आएगी तो वो इन्हीं पैटर्न को यूज करेंगे हम, और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर दो रेस या दो से ज्यादा रेस मीट होती है उसको हम बोलते हैं इमेज। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा भाई, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन देख लो। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि भाई जो रेज होती है वो चार तरीके की पैटर्न फॉलो करती है। हमने दोनों तरीके के मिरर बना के देख लिए, ये रहा, ये आपका कौन के मिरर में आपको कंक्लूजन में बताता हूँ। तो ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो पहला पैटर्न ये कहती है कि अगर कोई रे ऐसे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, टकरा के मिरर से तो फोकस से गुजरेगी। तो इसको ऐसे बोल लेता हूँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी वो। तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, याद रहेगा, ये पहला पॉइंट ये था। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या है था, अगर आ फोकस से रही है ऐसे ऐसे ऐसे, मैं दूसरे में बताऊँ आपको, ये दूसरे में बताता हूँ, ये दूसरा एक और बनाता हूँ, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर गई ना।
दूसरा पैटर्न ही कहता है रे का कि अगर आई फोकस से रही है या आई फोकस से, या आई फोकस से ना, तो रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। तो अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, दूसरा पैटर्न रे का। तीसरा पैटर्न क्या कहता है रे का, ये हम बनाता हूँ कॉनकेव में बता रहा हूँ, यही सेम चीज कॉन्वेक्स में भी होती है। तीसरा पैटर्न ये है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा पैटर्न ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। तो इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में चली जाएगी। देख रहे हो ना, यहाँ से आई और यहीं से चली गई वापस रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, उसके बाद चौथा पैटर्न क्या कह रहे हैं, चौथा ये ऑब्लिक वाला अभी हमने देखा, ये वाला। तो इस चौथा वाला ऑब्लिकली बोलते हैं उसको, वो यहाँ देख लो, ये मान लो, ये दोबारा बना रहा हूँ मैं कौन के मिरर, ये आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चौथा वाला ये कहता है कि ऐसे अगर इंसिडेंट रे से ऑब्लिकली आ रही है, ऑब्लिकली मतलब ऐसे टेढ़ी आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके या रिफ्लेक्ट हुई फिर ऐसे टेढ़ी चली जाएगी वापस, और ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो समझ आ गया तुम्हें, ये आपको याद रहना चाहिए सब बेसिकली चारों, कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, इंसिडेंट रे अगर फोकस से आती है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो ये रेज कैसे कैसे काम करती है वो देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो कॉनकेव मिरर है, तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लो ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजिशन पर रखा है, मान लो यहाँ इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो हम देखेंगे इन्हीं तरह की ये रेज के पैटर्न से हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी। तो हम देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से आ रहा होगा, तो हम एक दो रे काफी हमें, क्योंकि दो रे इंटरसेक्ट जाऊंगी वही इमेज बनेगी, तो दो रे से हम देख लेते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। तो मान लो ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटी पे है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हम देखेंगे ये रेज मान लो आ रही है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी से, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि जब पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, तो ये फोकस से गुजर गई। तो ये तो पहली रे का हमने देख लिया इंसिडेंट होके ऐसे हो गई। फिर हम ऐसी एक और रे ले लेंगे, क्योंकि हमें तो इमेज चाहिए ना, और इमेज कब मिलेगी, जब दो रे इंटरसेक्ट होती है वहां मिलती है इमेज, तो हम दूसरी रे भी देखनी पड़ेगी, तो दो रे से काम हो जाएगा। तो दूसरी रे मान लो मैं ग्रीन से देख रहा हूँ, तो दूसरी रे मान लो हम ऐसे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इन्फिनिटी में, है ना, तो मान लो ये इन्फिनिटी से ही होता हुआ ऐसे, इन्फिनिटी से होता हुआ फोकस से गुजर रहा है ऐसे, ऐसे मान लो ये फोकस से गुजर रहा है। तो हमें पता है जब ये फोकस से गुजरेगा रे, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पैरेलल हो गई। तो इमेज कहाँ मिली, ये देखो ये इमेज यहाँ मिली, हो रही है ना दोनों, ये वाली और ये वाली यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर बनेगी इमेज, समझ रहे हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी इमेज कैसे कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पर हमने देखा कि रेज का पैटर्न क्या है, पैरेलल होती है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से आएगी तो कहाँ से गुजरेगी। तो यही चीजें यूज करके हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजिशन पर रखा हुआ। मतलब क्या है, अलग अलग पोजिशन से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब ये जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, एक मिनट के लिए समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लो ऑब्जेक्ट एक बार यहाँ रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, एक बार रखा हुआ है ये सेंटर कर्वेचर ऑफ के पीछे लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है तो कहाँ इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे है तो कहाँ बनेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ अलग अलग लोकेशन पे होंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, और इमेज क्या होती है, जब रेज ऑफ लाइट जहां पर मिलती है रिफ्लेक्ट होके उसको हम बोलते हैं इमेज। ये पढ़ा था ना हमने इंट्रोडक्शन में कि रेज ऑफ लाइट, जैसे रेज, बहुत सारी रेज आ रही है सब्जेक्ट में से, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को हम बोलते हैं इमेज। तो हमें सिर्फ दो रेज देख लेंगे हम, इतनी बहुत सारी रेज आ रही होगी लेकिन हम सिर्फ दो रेज देख लेंगे यहाँ पर इस पर्पज के लिए, तो देख लेंगे दो रेज वो कहाँ मिलेगी रिफ्लेक्ट होके, तो जहाँ मिलेगी वहीं इमेज आएगी। तो ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से देख लेना, इसमें कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। टेक केयर।